नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फार्मा सेक्टर के जो बेहतरीन स्टॉक्स है जिसमें अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें आपका जो व्यू होना चाहिए, जैसे हो गया 6 महीने, 1 साल, जो भी हो आपका, तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप उसमें पोजिशन बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो बेहतरीन स्टॉक्स है अभी फार्मा सेक्टर के, जिसमें काफ़ी तेज़ी है और आगे भी आपको तेज़ी देखने मिल सकती है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले एलेम्बिक लिमिटेड देख सकते हैं, आज ये 11% अप है दोस्तों। 11% का रिटर्न एक एक साल में नहीं मिलता है, यहाँ आपको एक दिन में 11% का रिटर्न मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक जरूर आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, लेकिन बिना स्टॉप लॉस का आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्टॉक इतनी तेजी से बढ़ रहा है वो उतनी तेजी से नीचे भी आ सकता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम 1 मंथ में रिटर्न की बात करें तो 1 मंथ में जो नीचे था वहाँ से 38% अप है। यहाँ से देखें तो शुरुआत से ये 31.98%, मतलब 32% का रिटर्न मात्र 1 महीने में दे रहा है। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो अपना ऑल टाइम के हाई को ब्रेक करके ये स्टॉक्स ऊपर निकल रहा है, देख सकते हैं अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, अगर लॉन्ग टर्म में देखेगा रिटर्न तो काफ़ी बेहतरीन है, 2700% का रिटर्न, तो 2700% का रिटर्न है, काफ़ी बेहतरीन है। तो आपको अभी जो फार्मा सेक्टर में तेजी है उसका बेनिफिट्स लेना है, बिना स्टॉप लॉस का आप जो है पोजीशन नहीं बनाइएगा, तो स्टॉप लॉस आपको रखना है। उसके बाद जो अगला स्टॉक है ग्रेनुलेज इंडिया, इसमें भी काफ़ी तेजी देखने मिल रहा था, अभी आप देख सकते हैं आज थोड़ा सा 1% डाउन है, लेकिन इसमें भी एक एक दिन में 10% आपको तेजी देखने मिल सकता है। तो अगर 1 मंथ में बात करें तो ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, 14% का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन है। 1 महीने में 300 रुपये से भी नीचे ये स्टॉक्स रहा था, अभी आप देखते हैं 361 रुपीज, वहां छोड़िए ये हाई जो बना चुका है 375 रुपीज़ तक। अगर 1 ईयर में बात करें तो 1 ईयर में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, 99 रुपये से ये स्टॉक्स 400 रुपये के आसपास जा चुका है, देखते हैं 264% का रिटर्न दिया है 1 साल में। मैक्सिमम ईयर में बात करें तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है, मैक्सिमम ईयर में और भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, 3000% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो इसमें आपको हम लॉन्ग टर्म के लिए अभी कह रहे हैं, ये जो पीछे रिटर्न देख रहे हैं कम है, तो आगे आपको और बेहतरीन रिटर्न ये दे सकता है। तो जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं वो आपका अपना व्यू है होना चाहिए, स्टॉप लॉस के साथ आप 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, जब तक के लिए इसमें तेज़ी बनी रहे तब तक के लिए आप इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे और स्टॉप लॉस लगाते चलेंगे, उसको ट्रेल करते जाएंगे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सबसे बेहतरीन है आप जीरोधा में जैसे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पोजिशनल ट्रेड में लगाते हैं तो वहाँ GTT ऑर्डर क्रिएट हो जाता है। GTT ऑर्डर जब तक आप उस पोजिशन को कट नहीं करते हैं, GTT ऑर्डर आपका प्लेस रहेगा जब तक उस प्राइस को हिट नहीं करता, मतलब उस स्टॉप लॉस को हिट नहीं करता, वो ऑर्डर आपका कई सालों तक प्लेस रहेगा, या जब तक उसमें कोई कॉर्पोरेट एक्शन नहीं हो जाए उस स्टॉक में, स्टॉक स्प्लिट बोनस शेयर, तब तक वो ऑर्डर आपका प्लेस रहेगा। तो ये बेहतरीन फैसिलिटी जीरोधा में मिलता है, और अभी तक आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे लिंक से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जो एक और बेहतरीन स्टॉक है जिसमें आपको काफ़ी तेज़ी देखने मिल रहा है फार्मा सेक्टर का, जो बेहतरीन स्टॉक्स है लुपिन लिमिटेड, ये एक ब्लू चिप कंपनी भी है। तो आपको हम सारे स्टॉक्स जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है और जो लार्ज कैप है, सारे तरह के स्टॉक्स बता रहे हैं, तो आपको अपना चुनना है कि कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों इस स्टॉक की बात करें तो ये देखते हैं काफ़ी अंडर परफॉर्म है, 2015 से ही ये स्टॉक 2000 रुपया से 600 रुपया तक आ चुका था, तो 600 रुपया से फिर से ये 957 रुपीज़ आ चुका है। तो ये स्टॉक्स एक ब्लू चिप कंपनी का स्टॉक्स है, बिना स्टॉप लॉस को आपका किसी भी पोजिशन नहीं बनाना है, बिना स्टॉप लॉस के, क्योंकि स्टॉप लॉस ही होता है जो आपको सिक्योर रखता है, सुरक्षित है। तो आपको स्टॉप लॉस के साथ इन्वेस्ट करना है। अगर इसमें बात करें गिरावट में, पेंडेमिक में हर स्टॉक में गिरावट आया था, वहां से इसकी भी रिकवरी काफी फास्ट है, 70% का रिटर्न दे चुका है। तो जो ब्लू चिप कंपनी है वो आपको थोड़ी कम रिटर्न देंगे, जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, वो कुछ ज़्यादा रिटर्न आपको देंगे, तो उसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो स्टॉक काफ़ी तेज़ी से आप देखने ऊपर जा रहा है तो उतना ही तेज़ी से वो नीचे भी जा सकता है। तो दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद कैप्टन पॉइंट लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, इसमें देखिए 1 मंथ में कुछ खास रिटर्न नहीं है, लेकिन 1 ईयर में देखिएगा तो 1 ईयर में भी देखते हैं कुछ खास रिटर्न नहीं है, लेकिन दोस्तों ये भी स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखने मिला है। और आप मैक्सिमम ईयर जैसे 5 ईयर से ऊपर जाएंगे, 5 ईयर्स में भी कुछ खास रिटर्न नहीं है, 84% है, लेकिन मैक्सिमम ईयर में बात करें तो देखते हैं काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। यहाँ पर आप देख लीजिए 2014 से लेकर के कैप्टन पॉइंट अभी तक में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, 1268% का रिटर्न।
तो लॉन्ग टर्म के लिए ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। या मार्च में जो गिरावट आया था वहाँ से बात करें तो ये भी स्टॉक्स देखते हैं 127% अप है। जो गिरावट आया था मार्च में वहाँ से देखेगा तो 127% का रिटर्न दे चुका है, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने भी। जो पैंडमिक था वहाँ से जो गिरावट हुआ था, उसके बाद जो अगला स्टॉक है हमारा फाइजर लिमिटेड, यहाँ पर पी साइलेंट है, इसका करेंट प्राइस जो है देखते हैं 4,943। इस स्टॉक को मैंने 4,000 के आसपास ही बताया था, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। इस स्टॉक में भी बात कीजिएगा तो देख सकते हैं ये हमेशा अप ट्रेंड में है, ये स्टॉक्स आप 5 ईयर्स में देख लीजिए अप ट्रेंड में, मैक्सिमम ईयर में देख लीजिए उसमें भी अप ट्रेंड में, मतलब ये स्टॉक्स जो फार्मा सेक्टर अंडर परफॉर्म था तो ये स्टॉक्स पर काफ़ी कम असर पड़ा। यहाँ देख सकते हैं 2015 में ये 2500 के आसपास था, वहाँ से थोड़ा सा गिरावट आया लेकिन वहाँ से फिर से ये उतना ही फास्ट रिकवरी दिखाया। तो इस स्टॉक पर सेक्टर के अंडर परफॉर्म रहने का भी कोई खास असर नहीं पड़ा, तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक में ही आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए जो हमेशा आपको रिटर्न दे। तो जब भी पोजीशन बनाते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ बनाइएगा, क्योंकि जितना तेजी से ये स्टॉक ऊपर जाता है तो नीचे भी उतना ही तेजी से। इस स्टॉक में भी आपको 5% का लोअर सर्किट कभी देखने मिलेगा, कभी अपर सर्किट, तो इसलिए आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए हर स्टॉक में होनी चाहिए। उसके बाद जो अगला है डॉक्टर रेड्डी, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, ये भी फार्मा सेक्टर की एक ब्लू चिप कंपनियों में से है। और ये भी स्टॉक देखिएगा जो यहाँ पैंडमिक था तो मात्र 2600 में मिल रहा था, वहाँ से 66% का रिटर्न दे चुका है। मैक्सिमम में बात करेंगे तो काफ़ी बेहतरीन चार्ट है, तो यहाँ पर चार्ट पे देख सकते हैं काफ़ी सॉलिड चार्ट है। और ये इसमें भी 2015 से ही काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म रहा था और अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से जब आपको इसमें तेजी देखने मिलेगा तो निश्चित है एक बहुत बड़ी रैली इसमें देखने आपको मिल सकता है। उसके बाद जो अगला बेहतरीन स्टॉक है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब आपको स्टॉप लॉस के साथ ही करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोई अलग तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, बस जब तक उसमें रैली रहे आप उसका बेनिफिट लेते रहिए। अगर आपको चाहिए कि हाँ नहीं हम तो 10 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये स्टॉक्स बेहतरीन है, क्योंकि इस स्टॉक में देख सकते हैं ये लगातार अप ट्रेंड में और नया लिस्टिंग है, तो निश्चित है कि ये स्टॉक्स आपको एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। तो 78% का रिटर्न दे चुका है, मैक्सिमम ईयर में बात करें तो उसमें भी ये काफ़ी बेहतरीन, मैक्सिमम मतलब ये लिस्ट ही हुआ है 2019 में और 2019 से ही देखिएगा अभी तक में कितना परसेंट का रिटर्न दे चुका है, 82% का, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। तो ये भी स्टॉक में आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए पोजिशन बना सकते हैं। उसके बाद जो अगला हमारा है डॉक्टर लाल पैथ लैब, ये एक डायग्नोस्टिक लैब है, इंटरनेशनल लैब है और इंडिया का एक लीडिंग लैब में से एक है। मेट्रोपॉलिस और डॉक्टर लाल पैथ लैब ये दोनों बेहतरीन स्टॉक में से एक है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं इस स्टॉक में भी पैंडमिक में जो गिरावट आया था वहाँ से काफ़ी बेहतरीन रैली दिखाया, 34% का रिटर्न वहाँ से दे चुका है। तो ऐसे ही स्टॉक जो अभी आप देख रहे हैं किसी स्टॉक में काफ़ी तेजी है 10-10% का, तो उसमें गिरावट भी 10-10% का हो सकता है, लेकिन इन सब स्टॉक में थोड़ा सा यहाँ बीच में गिरावट आया था लेकिन रिकवरी देखते हैं उतनी ही फास्ट। तो इन सब स्टॉक में चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन बिजनेस है इस कंपनी का। जो आप देखते हैं ऑनलाइन तो सारी ये कंपनी जो है ऑनलाइन अपने बिजनेस को मॉनिटर करती है और एक इंटरनेशनल लेव है, तो ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आरती ड्रग्स, ये भी काफ़ी बेहतरीन है, आरती ग्रुप की कंपनी है और आरती ड्रग्स भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है, काफ़ी रैली ये दिखा चुका है, वहाँ से करेक्शन भी काफ़ी आ चुका है। देखते हैं 3400 से ये करेक्शन, मतलब इसमें थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है प्राइस वाइज करेक्शन, तो प्राइस के रूप में इसमें करेक्शन देखने मिल रहा है आपको, और जैसे बोनस शेयर आता है तो ये स्टॉक और काफ़ी सस्ता हो जाएगा, तो आप चाहे तब इन्वेस्ट कर सकते हैं। या यहाँ से देखते हैं काफ़ी ज़्यादा ये रैली दिखा चुका है, यहाँ से देखिएगा तो ये 426%, इतना ज़्यादा रैली के बाद तो इसमें 10% का करेक्शन तो बनता ही है, तो यहाँ से आप देखिए तो कितना परसेंट का करेक्शन हो चुका है, तो 17% का करेक्शन, तो हो सकता है इसमें 50% तक का भी करेक्शन हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये रैली दिखा चुका है। मात्र ये 400-500 का स्टॉक्स हुआ करता था, वो 3000 को पार कर चुका है, तो इतना बेहतरीन स्टॉक्स और इतना बेहतरीन रिटर्न दिया है, तो निश्चित है कि आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना चाहिए था, जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप एग्जिट हो जाइए। उसके बाद अगला है कैडिला हेल्थ, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है, ये भी स्टॉक मैंने काफ़ी पहले रिकमेंड किया था जब 300 के आसपास था, तो आप वहाँ से चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते थे। ये भी स्टॉक देखते हैं मात्र ये
236 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, अभी आप देखते हैं ये काफ़ी ज़्यादा रैली दिखाने के बाद ये भी करेक्शन मोड में है, अभी इसमें भी करेक्शन चल रहा है। तो कई सारे फार्मा स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन होता है फिर से वो रैली दिखाता है, थोड़ा सा करेक्शन फिर रैली। लॉन्ग टर्म चार्ट देखेगा तो देखते हैं इस कंपनी का भी चार्ट काफ़ी सॉलिड है। अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को कभी ब्रेक करता है, मतलब ये 550 के ऊपर चला जाता है, तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़बरदस्त रैली इसमें देखने मिल सकता है। तो जब भी आपको गिरावट में मिलता है, करेक्शन पर मिलता है, तो आप इसमें पोजिशन बना सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें। जैसे गिरावट हो तो आप एग्जिट हो जाइए, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप एग्जिट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम जो 6 मंथ है, 1 ईयर है, इस तरह के लिए इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ज़रूर हम आपको उस स्टॉक के बारे में बताएंगे। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।